सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा। जिवें कि तुसी जानदे हो, जदों तो करोना वायरस का खतरा देश के उत्ते मंडराउण लगा तो सिर्फ देश के उत्ते नहीं बल्कि विदेशों विच भी करोना वायरस का खतरा जिहड़ा सी मंडरा रहा सी। बहुत सारे लोग इदां दे सीगे जो कि जरूरतमंद सीगे, क्योंकि हर कोई उस वेले डर रहा सीगा, किसी नूं छूण तो डर रहा सीगा, किसी दे कोल जाण तो डर रहा सीगा। इस सब दे विच बहुत इहो जिहे लोग सी जिन्हां नूं जरूरत सीगी कि उहनां नूं चीज़ां जिहड़ियां ने उह पहुँचाईआं जाण, मुहैया करवाईआं जाण, चाहे सरकार वल्लों दी किसी भी तरीके कोई हिले वसीले कोई उहनां दी मदद करे, एक आस उन्होंने सीगी भी कोई तो जरूर आऊगा। तो इस सब यूके दे स्लो दे विच गुरु मान्यो ग्रंथ गुरुद्वारा साहब के जिहड़े सेवादार ने उन्होंने एक मुहिम शुरू की जिथे उन्होंने कोविड-19 दे विच जिहड़े जरूरतमंद लोग सी उन्हां दी मदद करन दा जिम्मा चुकिया। उस तो बाद जिवें जिवें सेवा करते गए उवें उवें उन्होंने नाल लोग जड़े ने जुड़ते गए। बहुत सारे लोगों ने उन्होंने मदद ली, बहुत सारे यहोजे वॉलंटियर भी सके जो उन्होंने नाल नहीं सके पर हौली हौली जुड़ते गए। जो उन्होंने पता लगा कि गुरु मान्यो ग्रंथ गुरुद्वारा साहब के सेवादार इस तरीके दे नाल लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मदद का अज जो सिला निकलिया, क्योंकि रब हमेशा गल्लां जिहड़ियां असीं सुणदे ने वी जदों तुसीं किसी की मदद करदे हो तां रब तुहाडे नाल चंगा जरूर करदा। तो अज क्वींस वॉलंटियर अवार्ड जिहड़ा है उहदे लई उन्हां नूं नॉमीनेट किया गया। तो अज साडे नाल गुरु मान्यो ग्रंथ गुरुद्वारा साहब के कुलवंत सिंह जी ते बाग सिंह जी जो सेवादार ने साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करांगे। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला जी मुबारक देवांगे थोनू, क्योंकि बहुत घट लोग ने जो कि अपने आप नू पिछे रख के ते दूसरियां नू मूहरे रखते हैं, उन्हां दी मदद करते हैं। तो कोविड-19 वर्गी सिचुएशन दे विच तुसी जदों लोगों की मदद की तो अज थोनू क्वींस वॉलंटियर अवार्ड लई नॉमीनेट भी किया गया है। सिख कम्यूनिटी हमेशा कहा जाता है भी मूहरे आउंदी है और जाने भी इसे काम लई जाती है कि जदों भी किसी नू मदद की लोड़ पैंदी है तो सिख कम्यूनिटी अगे आउंदी है, तो अज भी उही होया। तो मुबारक थोनू जरूर देवांगे। धन्यवाद जी, तुहाडा बहुत बहुत। सब तो पहले यही जानने की कोशिश करांगे भी सोचा किवें तुसी कि क्योंकि कोविड-19 सीगा, डर रहे सीगे जिवें मैं पहला भी गल की है, लोग एक दूसरे नूं छूण तो डर रहे सी, एक दूसरे के कोल जाण तो डर रहे सीगे, घरों भी बाहर नहीं सी निकल रहे, पर तुसी किवें सोचा भी लोगों की मदद की जाए? हाँ जी, जदों आपां इहदी इह प्रेरणा इह शुरुआत की गल करते हैं तो सानूं साडे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिक्ख्या ही यह दे रहे हैं कि सिख ने चलना ही आपां गुरु की सिक्ख्या लैके आ। जिवें आप देखते हैं, देखो 550 साल पहला आप अकाल पुरख वाहेगुरू निरंकार ने गुरु नानक पातशाह का रूप धारण किया, समुची मनुखता चौं वर्णा सांझा उपदेश यह प्रेरणा की कि नाम जपो, किरत करो, वंड के छको। सो गुरु नानक पातशाह ने आप यह जो लंगर की प्रथा यह शुरू की 20 रुपए तो। सो जो श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक आपू सिक्ख्या ये प्रेरणा दी गई कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सारा आपां नूं सतगुरों ने समझाउणा कीता। उही सिक्ख्या अज आपां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अपना साडा मार्गदर्शन कर रहे ने। सो सतगुरु यही समझाउंदे आ कि असीं सारे उस मालक दे पैदा किए हुए हाँ, साडे सारिआं विच उस मालक की जोत वरत रही आ। मानस की जात सब है एक पहचान वो, सब मैं एक वरतदा एको रिहा समाए। सतगुरु फिर आपां नूं दसदे आ जदों ये सारी आपां चीज़ नूं लैके तुरदे आ, जदों ये महामारी शुरू हुई किस तरह आसे पासे देखिया कि हालात किस तरह के बन गए, कोई बाहर नहीं निकल सकता, सारिआं नूं घरां विच बैठना पै रिहा। तो वह चीज़ नूं मुख रखते हुए फिर सारे सोचिया गया कि आपां कोई मनुखता दे भले लई किदां सेवा की जाए, सेवादारां दी संयोग नाल अते गुरु की गोलक द्वारा ये फिर सारी जो कार्य आपां शुरू कीता गुरु दी गोलक गरीब दा मूंह। बिल्कुल जी, कितना समा हो गया जदों तो तुसी सेवा शुरू कीती है, कदों शुरू कीती सी सेवा? ए वाहिगुरु जी, जदों कोरोना शुरू होया सीगा जिदा भाई साहब उन्होंने ने दसिया उदों ही आपां ए सेवा शुरू कर दित्ती सी, क्योंकि जदों आपां गुर इतिहास वल जाने आ ते सानूं गुरमुखां ने सिखाया ही इह हैगा इस गुरद्वारा साहिब च कि जदों दिल्ली का भी इतिहास आपां वेख लीए, जदों उत्थे महामारी फैली सी ते गुरु हरकृष्ण साहब जी ने किस तरह अगे वध के गुरसिखां नाल मिल के सारी लुकाई की सेवा कीती सीगी। इस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए आपां जदों तो लॉकडाउन शुरू होया उदों तो आपां इह सेवा करनी शुरू कर दित्ती सीगी जी। किन्ने सेवादार सीगे, किन्ने सेवादारां ने मिलके शुरू कीती इह सेवा, ते उस तो बाद हौली हौली जदों पसार सी इहदा किवें वधिया हो अगे, किवें लोकां नूं पता लगण लगा कि गुरु मान्यो ग्रंथ गुरुद्वारा साहिब दे विच इस तरीके दे नाल लोकां दी मदद कीती जांदी है? जदों सेवा शुरू होई सीगी जिद्दां भाई साहिब उहनां ने दस्सिया
कि एक मीटिंग की गई सी, उधर जो चार पांच मेंबर से गए जिन्होंने मिलके डिसाइड किया कि जेड़े साडे लोकल एरियाज है गए ने उन्हें च पहले आप लंगर वरताना शुरू करिए, क्योंकि सिख का धर्म ही यह है कि जो कि मनुखता को लोड़ पै जाए तो आप अगे वध के सेवावां करिए। तो पहले लोकल एरियाज से वरताना शुरू किया, हौली हौली जो वेख्या कि यह जी महामारी हैगी काफ़ी दूर तक फैली हुई है तो काफ़ी लोग ये तो दुखी ने, इस चीज़ को मुख रखते हुए फिर असी सोचा भी हौली हौली इस चीज़ को अगे वधाईए। तो एक समा इस तरह का भी आया कि 200 तो वध सेवादार इस सारे प्रोजेक्ट में जुड़ गए। तो नाल ही मैं ये दसदा तुहानू जावा कि इस गुरु घर च वैसे ही 400 तो वध निष्काम सेवादार हैगे ने जिहड़े दिन रात इस गुरु घर च सेवा करते हैं। तो वो जिहड़ी चीज़ हैगी है सेवा की वह सानू शुरू तो सिखाई गई है इत्थे। तो जो ये मौका फिर बनिया तो सारे ने कमर कस्से कर ले कि हुण आपां अगे तो अगे आके ये जिहड़ी है सेवा निभानी है, क्योंकि ये जिहड़ी चीज़ है सेवा ये आपां जे आपां कहीए कि असीं आप कर रहे हैं अपने अपनी सियाणप नाल कर रहे हैं, सतगुरु कहिंदे नहीं, क्योंकि करन वाले मालक आप ने, करवाउण वाले साडी भावना की आ। सतगुरु कहिंदे करन करावण आपे आप, मानक के कुछ नाहीं हाथ। बिल्कुल, क्योंकि जिवें कि मैं पहला गल की है भी कोविड-19 की सिचुएशन सी, लोग एक दूसरे तो दूर भज रहे थे, तो जो तुम उन्होंने सेवा करन जाते थे कदे इदा भी होया भी लोग डरते हो थोड़े तो भी असी नेड़े नहीं आना कि सानू भी करोना ना हो जाए, इदा की कोई सिचुएशन नहीं आई? नहीं, जदों ये मालक नूं लैके आपां किसी भी सेवा वाल अगे वधदे आ तां जिदां तुसीं अपने इंट्रोडक्शन च भी दस्या कि मालक हमेशा सहाई हुंदे ने, ते इस तरह दा सानूं भी हमेशा लग्या जिहड़े भी गौरमेंट वालों प्रोटोकॉल दिते गए सी सानूं असीं उह सारे उहनूं फॉलो करदे हुए ही सेवा कीती है। जिथे मास्क पाउण दी लोड़ सीगी आपां पूरे मास्क पाए, ग्लव्स पाए, सोशल डिस्टेंस जिहड़ा सी उह मेनटेन करके ही सेवा कीती। पर मन्नण वाली गल इह है कि जिथे जिथे आपां गए लोगों ने बाहां अड के साडा स्वागत किया, वह भावें अपने हिंदू वीर होण, भावें क्रिश्चन वीर होण, भावें गोरे होण, भावें काले होण, कोई भी होवे, उन्होंने हमेशा साडा स्वागत ही किया। तो कई वो साडा वेट करते होंदे सी भी जदों भी आपां फील्ड च जाना कि इन्हां दी वैन आ गई है तो हुण सानूं लंगर मिलेगा, तो वह वेख के बड़ी एक खुशी भी हुंदी सीगी कि महाराज ने साडे उत्ते सिर ते हथ रख के ये सेवा सानूं बख्शी है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मुश्किलों का सामना भी क्योंकि करना पैंदा है, बहुत सारी इहोजियां अर्चना भी आ जांदियां ने जदों असीं किसे वास्ते भला करन जांदे आ, तां मुसीबतां की कुछ आईआं, मुश्किलां की कुछ सिगियां जिहड़ियां जिन्हां दा सामना तुहानूं करना पिया? जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी का वो टासरा लैके चलते हैं तो वह मालक आप साडे हर स्टैप च सहाई हुंदे सीगे। ये सानू एक बहुत वड्डी सेध इत्थों सीखण नू मिली गुरु कृपा नाल, जिहड़ा साडा गुरु घर हैगा इत्थे मालक ने बख्शिया है, वह काफ़ी वड्डी साइट च बनिया होया ते तां करके 4,000 तुसीं कह लो भी हैगा या 4 एकड़ सॉरी साइट च बनिया होया, जिहदे च कि एक दरबार हॉल हैगा आ, एक अपना अकोमोडेशन का हैगा आ, तो जिथे क्लासा होंदिया ने वह हैगा आ। तो जदों ये सेवा शुरू हुई, क्योंकि सेवा का पद्धर इन्ना वध गया सीगा, पर क्योंकि साडे कोल थां इन्ना सीगा तो लंगर हॉल जिहड़ा सीगा उहनूं सारा एक वेयरहाउस का रूप दे दिता गया, उत्थे जिन्ना अपना लंगर का समान आंदा सी उत्थे स्टोरेज फैसिलिटी बन गई। नाल ही जिदां आपां सेवा शुरू कीती सीगी पहले लोकल डिलीवरीज होंदियां सीगियां, फिर लोकल डिलीवरीज हटा के फिर हौली हौली वैन आनिया शुरू हो गई, तो वह फिर जिहड़ा काम सी वह 3 तो 4 तो वैन टपना शुरू हो गया, वड्डे चिलर आ गए। इस तरह हौली हौली जिहड़े सेवादार सी उन्हां दा भी जिहड़ा सपोर्ट सी उह मिलना शुरू हो गया, तो नाल गुरु कृपा नाल जिहड़ियां सानू इत्थे फैसिलिटीज मौजूद हैगियां ने वह सानू मिलनियां शुरू हो गई। नाल ही मैं तुहानू इह भी दसदा चलां कि तुहानू पता है महामारी वेले जिहड़ा जिन्हें भी होस्पिटल वर्ल्ड वाइड वेख लो, इत्थे जिद्दां NHS हैगा आ, इत्थे भी होस्पिटलां च बैड्स की जिहड़ी कमी सी वह बहुत ज़्यादा हो गई सी, पर जदों उन्होंने सानू कॉन्टैक्ट किया कि आपां चाहुंदे आ भी जिहड़ी तुहाडे इत्थे गुरु घर हैगा आ इत्थे जे आपां एक टैंपरेरी होस्पिटल बना लईए स्पैशली फॉर कोविड पेशेंट्स, वह भी फिर उन्होंने जदों सानू एक चीज़ पुछी तो असीं उन्होंने जियो आया नूं ही आख्या, क्योंकि महाराज का हुक्म ही यही है कि जेड़ा भी तुहाडे दर ते आवे ओहदी आपां सेवा करनी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तुसीं सिर्फ फूड दी सेवा कीती, उस तों अलावा की कुछ सेवा सीगी जिहड़ी तुहाडे वल्लों निभाई गई? हाँ जी, जिहड़ी सेवा सीगी ओह शुरुआत ते आपां फूड तों ही कीती सीगी, पर ओह जिद्दां जिद्दां जिहनूं जिहनूं फूड दी लोड़ पैंदी सीगी ओह आपां फूड देईदा सी, नाले फूड दा इह मतलब नहीं सीगा भी आपां जा के ही देणा आ, जिहड़े बंदे साडे कोल आंदे सीगे गुरु घर उन्हां वास्ते भी खुले गफे सीगे भी उह कदी भी आ के गुरु घर चो जिन्ना मर्जी से लंगर चाण उह कलैक्ट कर सकदे हैगे। इहदे अलावा भी इत्थे होर काफ़ी सारिया सेवावां चल रहियां ने जिहदे बारे कि भाई साहब जी तुहानूं हुण दस्सणगे चानणा पाउणगे। हाँ जी,
जी हुण जदों तों आपां इस संगत कर रहे हैं कदे भी आपां संगत नाल सेवादाता दे नाल कदे इदां दी डिमांड नहीं रखी जिदां अग्राहियां करदे हैं आपां कि भी पैसे की लोड़ पैंदी आ होर चीज़ां की लोड़ पैंदी आ तो अपने जिन्ने भी सेवादार आ वह इसे कहण तो बिना ही वह सेवा करन हर वेले तैयार रहिंदे ने धन करके तो इस करके जिन्नियां भी सेवा चल रही उन्हां दे संजोग दे नाल रल के चल रही जिदा गुरु घर पंजाबी क्लासा चल रही सिख इतिहास दीआं क्लासा चल रही कीर्तन दीआं क्लासा वाजा तबला क्लासा गुरबाणी की सांथे दीआं क्लासा चल रही सो जिवें साडी आपां पंजाबी नितनेम गुरबाणी पढ़ते हैं नितनेम दीआं क्लासा चल रही ये सारिया क्लासा दे विच कोई भी धर्म का होवे जिहड़ा भी सीखना चाहुंदा वह सीख सकदा फ्री ऑफ चार्ज आ ते जिन्ने भी टीचर जिन्ने भी ये सारे ये सेवा निभा रहे आ गुरमुख सारे निष्काम सेवा कर रहे आ कोई ये नहीं है कि वह पैसे लई जां अपना नाम बनाउण लई कर रहे आ वह एक मनुखता की सेवा उस अकाल पुरख वाहिगुरु का जो आपां नूं हुक्म है उहदे ते सारे पहरा दे रहे आ बिल्कुल ते संगतां ने लाभ भी उस चीज़ का लिता पर जे गल करिए वॉलंटियर्स की क्योंकि जदों पता लगता है हौली हौली इस चीज़ का प्रसार होया लोगों को पता लगना शुरू होया कि इत्थे सेवा निभाई जाती है तो होर वॉलंटियर्स भी थोड़े नाल जुड़े जिहड़े आस पास के लोग सीगे हाँ जी काफ़ी जिहड़े सेवा जिदा शुरू हुई उदो गुरु कृपा नाल जिदा जिदा सारियां नूं पता चलना शुरू होया एक तो वह टीम सी जिहड़ी साडे ऑलरेडी गुरु घर है कि जिदा मैं पहला भी दस्सिया जिहड़े सेवादार इत्थे आंदे ने सेवा करदे ने वह जुड़ने शुरू हो गए तो वह फिर उन्होंने टीम्स बनाती गई एक लंगर बनाने की टीम सी एक टीम से जी लंगर पैक करती सी बच्चों का भी ये काफ़ी सहयोग जे आप पैक्स होंगे ने उन्होंने उत्ते स्टिकर लाने वो बाद एक डिलीवरी टीम से एक एडमिन टीम सी जरा सारा मैनेज करती सी कि पिछों समान कितों आना किनू देना सारा कुछ ये अलावा होर भी जोड़े डिफरेंट धर्मां दे लोग सीगे वो भी जुड़ने साडे नाल शुरू हो गए गोरे कह लो हिंदू वीर कह लो मुसलमान वीर कह लो नाल कमाल की गल ये भी जो आप फील्ड से जाइदा सीगा कई ने सानू ये भी रिक्वेस्ट की भी आपां वो फैसिलिटी वेखना चाहते हैं जिथे ये सारा काम हुंदा क्योंकि कई वास्ते ये लंगर का जिहड़ा कॉन्सैप्ट सीगा ये भी बड़ा एक यूनीक कॉन्सैप्ट सीगा तो उन्होंने समझाण का भी सानू ये मौका मिलिया कि लंगर तो जिहड़ा हैगा गुरु नानक देव जी कई साल पहले ही ला के चले गए सी ते हर गुरु घर च वर्ल्ड वाइड लंगर तुहानू हमेशा मिलेगा पर ये एक प्रोजेक्ट तां शुरू किया है क्योंकि गुरु घर गवर्नमेंट वालों कह लो तुसी बंद करा दिते गए ते वो यूनिक कॉन्सैप्ट वेखण नू कई दूजे धर्मां दे लोग गुरु घर जाने शुरू होए ते उन्हां नू सिक्खी बारे काफ़ी जानकारी मिली हाँ जी बिल्कुल क्योंकि जे सिख कम्यूनिटी की गल करिए अक्सर जी इन्हों की एक आइडेंटिटी है वह सवालों से रही है जे सरकार की भी गल करिए तो बहुत तरीके के सवाल सरकार खड़े भी करती है पर लगता है थोनों भी जदों सिख कम्यूनिटी इदा चंगे काम वास्ते अगे आती है तो उन्होंने एक जी अपनी आइडेंटिटी कोई दूसरे वालों मोड़ना चाहते हैं वो कम्यू अपनी जी आइडेंटिटी उन्होंने सुधारण भी इस सुधारण की भी जो गल ना करिए लोगों के अपना प्रचार से प्रसार सिखी का होर फैलाने वास्ते होर मतलब अगे मोटिवेशन मिलती है हाँ जी जो आप चीज़ के प्रतख दर्शन किए भी जो तुम गुरु साहब न सामने रख के किसी भी चीज़ वाल वाते हो तो वह थोड़ी बाँह जरूर फटते हैं तो यही चीज़ सानू गुरु ग्रंथ साहब जी भी सिखाते भी जो भी तुम सेवा करनी है वो कोई थोड़ा मनोरथ ना हो भावें सानू अवार्ड भी मिलया है पर वो एक टारगेट यही नहीं सीगा भी सानू रेकग्निशन मिले भी साड़ी मशहूरी होवे सानू ये खुशी हुई अंदरों कि ये धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का नाम उच्चा होया तो जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सरूप बख्शिया है इस सरूप का नाम उच्चा होया इस चीज़ की सारे सेवादारों से बड़ी खुशी सी तो जिदा तुम दसिया भी हाँ जी सानू मौका भी मिले जो आप जाना सी क्योंकि दास डिलीवरी की सेवा तो हुंदा सीगा तो कई गोरिया ने सानू दस्तार बारे भी पुछना उन्हां च कन्फ्यूज आइडेंटिटी हैगी है जिवें मुस्लिम भरावां नू लैके तो सानू लैके फिर वो दसण का भी सानू मौका मिलिया नाल ही सानू श्री साहब बारे दसण का मौका मिलिया भी ये लंगर शुरू क्यों किया जी चैरिटी की गल आप करते हैं ये जी लंगर की गल फूड की गल करते हैं क्योंकि जो महामारी शुरू हुई सी उदो एकदम ही सारिया चैरिटीज तुहानू पता है सत्कारयोग ने उन्होंने ये सेवा करनी शुरू करती सी पर सानू ये दसण का मौका मिलिया भी सिख जिहड़ा हैगा सिख पंथ वो शुरू तो ही ये लंगर की प्रथा जिहड़ी हैगी आ वह चली जा रही है तो वो फर्ज ही साडा ये हैगा भी जिहड़ी सेवा हुण भी आ वो उदों तक चलती रहनी है जदों तक कि सानू लगे भी हाँ रिक्वायरमेंट हैगी है बाहर बिल्कुल क्योंकि COVID-19 की जो गल करिए तो हौली हौली वो सिचुएशन जी है वो ठीक हो रही है पर कि थोड़े वालों सेवा हले भी जारी है और कदों तक जारी रहेगी या हमेशा ही जारी रहेगी
हाँ जी, जिहड़ी सेवा हैगी है वो हले भी चलती जा रही है। जिस तरह पहले दस्या सीगा कि हुण लॉकडाउन खुल गया है तो हौली हौली जिहड़े जिहड़े लोग ने वो कमाकारां ते जाना शुरू करता है, इस करके जिहड़ा साडा हुण चैरिटीज हैगियां ने वो थोड़ियां घट हो गईयां ने, पर जिहड़ी सेवा हैगी है वो हमेशा चलती जा रही है। नाल ही मैं ये भी दसदा चला कि हुण तुहानूं पता ही है कि जिहड़े किसान हैगे ने अपने वीर बैठे ने इंडिया दे बॉर्डरां ते, जदों सानूं वो पता लग्गिया कि हाँ जी उत्थे भी लंगर की लोड़ है तो उत्थे भी फिर लंगर चला दिते गए गुरु कृपा नाल। भी जिथे जिथे लोड़ है, जरूरी यह नहीं भी इत्थे ही खाली कोरोना करके इत्थे लंगर चले। भी सिख का फर्ज ही यह है, गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू सिखाउंदे ही ने कि जिथे जिथे जिन्हों जिन्हों लोड़ पै जाए, भावें वह सिख धर्म नूं बिलोंग नहीं भी करता, आपां उत्थे उत्थे जाके उन्हां दी बांह फड़ी है। ते नाल यह भी मैं तुहाडे माध्यम नाल सारी ऑडियंस नूं दसना चाहना है कि इस गुरु घर च एक एक जिदा गुरु नानक साहब जी का फलसफा हैगा कि किरत करना, उसनों मुख रखते हुए एक रिफ्रैश सेंटर चलाया होया गुरमुखा ने, जिदे नाल कि कोई भी धर्म का बंदा इत्थे आके एक सुची किरत करन वास्ते इत्थे जिहड़े कोर्सेस चलाए जाते हैं, प्लास्टरिंग का लै लो, ब्रिक लेइंग का लै लो, इलैक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, ये कोर्सेस करके जिहड़े कि गवर्नमेंट वालों रैकगनाइज्ड ने, ये करके अपना ते अपने परिवार का ढिड पाल सकते हैं। ये सारे चीजा जिहड़ियां हैगियां ने निष्काम ने, ते इहदे च इह नहीं हैगा भी कोई डिमांड है जिदां भाई साहब होणां ने पहलां दस्सिया। ते सेवा का जिहड़ा दायरा हैगा ये खाली लंगर वाल नहीं, ये होर थावां ते भी आपां इहनूं लैके जा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि जिहड़ी अपनी सेवा जिहड़ी आपां सेवा कर भी रहे हैं ना, सतगुरु आपां नूं इही समझा रहे हैं कि आपां जदों मनुखता की सेवा करनी आ, कहिंदे विच दुनिया सेव कमाईए तां दर के बैसण पाईए, कहिंदे जदों सिख ने सेवा करनी आ वो किसी भी भेदभाव नहीं रखना, एज लोंग एज सानू यह पता होना चाहिए कि किसी का भला होना चाहिए, मनुखता का भला होना चाहिए, नोट कि साडा नाम होवे कि साडी कोई मशहूरी होवे। हुण देखो जगह अपना सिख इतिहास दे विच आपां किन्नियां मिसालां पढ़ते हैं, सब तो पहला जिद आप कह लिए भी जिदा भाई कन्हैया जी उन्होंने देखो कितना सेवा की, कहते ना कोई बैरी नहीं बगाना, वो सारे की सेवा कर रहे थे, नहीं थे कि यह बैरी आ जाए बगाना वा। तो धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी पातशाह नौवें पातशाह ने सिख सिखा दे जो सतगुरु उन्होंने की किया जो शहादत हुई उन्होंने कहते मनुखता के भले वास्ते, नोट के अपने नाम वास्ते, अपनी मशहूरी वास्ते। सो ये सारे सतगुरु अपन यह समझा रहे हैं कि देखो आप जो सारे सिख आप अरदास करते हैं, कितने भी अरदास करिए भला कि मंगते हैं सारी सृष्टि का, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला। सरबत बिल्कुल। तो इस तो अलावा कहते सिखा की जी एक आइडेंटिटी है, एक इमेज है, वह भी बनी हुई है, होर किसी चीज़ की बेशक कमी हो जाए पर कदे भी लंगर की कमी जी कदे नहीं होंगी, कितने नहीं होंगी। हाँ जी बिल्कुल, जिदा तुम दसिया भी साडा एक बहुत वाडा कह लो भी सिख धर्म च पैदा होने का सानू माण भी हैगा कि जिथे जिथे आप गए सानू बड़ा माण बख्शिया सारी संगत ने, पर यह माण फिर साडे गुरु नूं जांदा है, यह माण सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं जांदा है, यह माण गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक जांदा है जिन्होंने सानू यह सिखाया। तो नाले मैं परसनली जो गल करा तो इस गुरु घर चो जो जो सीख्या संगत करके ये सारा माण उन्हू जांदा है, क्योंकि जो सेवा होंदी है उहदे नाल सिमरन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं भी आप सेवा दे नाल आप किसी होर दियां गल्लां करनियां शुरू कर दे, किसी निंदा चुगली च फस जाइए, तो वह भी चीज़ इतों बड़ी सीखण नूं मिली कि जो आप छोटे छोटे बच्चों वाल झाती मारते सीगे भी उन्होंने सेवा भी करनी ते नाल सिमरन भी करना, हुण भावें डिलीवरी ते जाओ, भावें समान तुसीं लोड कर रहे हो, भावें लंगर बन रहा है, ये बड़ी डिसिपलिन एक चीज़ वेखी कि जो सेवा हो रही है नाल आपां असीं उस अकाल पुरख नूं याद रखना ते उन्हूं अपने नाल हमेशा रखना। तो नाल ही मैं तुहानूं ये भी दसदा चलां कि इत्थे 150 तो ज़्यादा कह लो छोटे बच्चे ने जिहड़े 5-6 साल तो लैके 14 साल 15 साल तक जिन्हां नूं इत्थे ट्रेन किया जाता है कि गुरु घर की सेवा कितना करनी है, भावें वह अंडर सुपरविजन कि भावें लंगर बनाना होवे, भावें दरबार की सेवा करनी होवे, वह किवें करनी है, क्योंकि जे ये सेवा करनगे, जे इन्हां नूं पता होगा कि गुरु घर च सेवा किवें करी दी है, तां ही जाके अगे जाके ये जिहड़े गुरुद्वारे हैगे ने इन्हां नूं सांभणगे। नाल ही 30 बीबियां 30-35 बीबियां सवेरे अमृत वेले आके गुरु घर च सेवा कर दियां ने क्लीनिंग दियां, ते उन्हां नूं वेख के बच्चे फिर सीखते हैं। कहण दा भाव भी एक एक मॉडल तैयार किया गया है जिहदे च कि जिहड़ी नवी पनीरी है वह साडे वर्गियां कोलों सीख सके कि आपां अगे किवें वधना।
बिल्कुल जी, मैं ये भी पूछना चाहती सी नाल ही, क्योंकि जिवें तुसीं बच्चियां दी गल कीती है वी बच्चे नाल हुंदे सीगे, यूथ किन्ना कु जुड़िया इस मुहिम दे विच, क्योंकि यूथ नूं जिवें तुसीं फलसफे दी गल कीती है उह समझाउणा बहुत जरूरी है ताकि अगे उह चीज़ नूं तोर सकन, ते यूथ इस मुहिम दे विच तुहाडे नाल किन्ना कु जुड़िया, कि सिर्फ जिहड़े पंजाब दे लोक सीगे उह जुड़े या जिहड़े रहिंदे ने यूके दे विच उह वी नाल जुड़े ने? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਥ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਯੂਥ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਈ ਯੂਥ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਯੂਰਪ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ 120-25 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਘਰੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ
बहुत ही जरूरी आ। जो सानू मनुखा जन्म मिलिया सतगुरु आपां नूं यही गुरबाणी दे विच बार बार दसदे आ कि गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। आपां मनुखता दी ते अपने जो नाम जपना यह सेवा भी अपने लिए जरूरी आ। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के मन के सवाल जरूर होंगे भी भगति सिर्फ गुरु घर के ही क्यों हो सकती है, तो उम्मीद करते हैं कि वो जो सवाल उन्होंने मन के घूमता रहा वह जवाब उन्होंने अज जरूर मिले होएगा। इस दे नाल ही यह भी जानना चाहवागे कि जो तुम सेवा वास्ते जाते सिगे वक् वक् थावां दे उत्ते वक् वक् तरह के लोगों नूं तुसी मिलते होवोगे उत्थे किवें किवें दे लोग तुहानूं उत्थे मिले, क्योंकि कोई होणगे काफ़ी बजुर्ग होणगे जिहड़े गुरु घर दे विच नहीं आ सकते होणगे, उन्हां वास्ते तुसी वैंस चलाईआं ने, किवें किवें दे लोग तुहानूं उस टाइम दे उत्थे मिले जिन्हां नूं मदद की लोड़ सी? हाँ जी, गुरु कृपा नाल जदों इह सेवा शुरू की तो इस समुची लुकाई दे सानू दर्शन होए। इस चीज़ से जो आप वैन लैके जाना तो कभी सानू बजुर्ग मिलते सीगे, वह बजुर्ग मिलते सी जिहड़े घरां तों बाहर नहीं निकल सकते सीगे, तो वह घरां च कह लो एक किस्म के कैद हो गए सीगे, तो उन्होंने जाके जो लंगर पहुँचाया तो बड़ी मन नूं शांति मिली। इहदे अलावा जिदा मैं पहला दसिया भी हिंदू वीर मिले, अपने मुस्लिम भरा मिले, ईसाई भरा मिले, होर भी स्टूडेंट्स मिले सानू, कई ऐसे स्टूडेंट्स सीगे जिदा हुण इंडिया तो स्टूडेंट्स आंदे ने स्टडी वीजा ते, उन क्योंकि इकोनमी सारी बंद हो गई सी, कमाई का कोई साधन नहीं सीगा, ते कमाई का साधन ना होने करके उन्होंने बेचारियां का हाल काफ़ी माड़ा सीगा, ते इहो जिहे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने घर प्रशादा नहीं पकदा सीगा, जिन्हां नूं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है, कई कई मीलों तक लाइना लगिया होंदिया सीगियां प्रशादा छकण नूं, ते इस तरह मतलब हर वर्ग का सानू बंदा मिलिया। इस तों अलावा जिहड़े गुरु घरां नूं होर भी जिहड़े गुरुद्वारे सीगे जिन्हां नूं सपोर्ट चाहीदी सी, क्योंकि एक इस तरह का माहौल बन गया सीगा कि सारियां चीज़ां जिहड़ा जिहड़ा डिमांड एंड सप्लाई सीगा वह घट गया सीगा, इस करके जिहड़े गुरुद्वारियां नूं भी लोड़ सीगी उन्हां नूं भी असीं वध तों वध सपोर्ट दित्ती सतगुरां दी कृपा नाल। हाँ जी जी, सो उम्मीद करते हैं क्योंकि बहुत सारे यहोजे लोग होंगे ने, कभी भी इकोनोमी जी स्टेबल नहीं हो सकती, यहोजे लोग होंगे ने जिन्हों जरूरत की लड़ पैंती है, तो उन्होंने एक रोशनी की किरण की होंगी है भी कोई ना कोई यहोजी उम्मीद हो जो कि साड़ी मदद करे, रब किसी भी आसरे है ना साढ़े को आए, सो उन्हों वास्ते सहारा बनते हो। बहुत सारे यहोजे सिख कम्यूनिटी कल ना छड़ के, तो हर एक कम्यूनिटी जो काम करती है तो उन्होंने वास्ते एक उम्मीद की किरण जरूर जागती है जोड़े जरूरतमंद ने कि कोई ना कोई आके साडा हाथ जरूर थामेगा। उम्मीद ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਤਰਕੇ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰਨਾਮ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਖਰਚ ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖਰਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਥਾਂ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके दे नाल तुसीं सेवा भावना निभा रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, उसी तरीके दे नाल अज दी इंटरव्यू देख के तुसीं जिस तरीके दे नाल सेवा कर रहे हो उन्हूं देख के होर भी जिहड़ा यूथ है जिहड़े लोग ने वो मोटिवेट होए होणगे, वह भी जरूर सोचणगे कि सानूं एक दूसरे की मदद करनी चाहिए है, क्योंकि बेशक असीं जाणदे अपने परिवार नूं हुंदे आ, पर यह दुनिया जिहड़ी है, दुनिया ते इंसान वसदे ने जिहड़े, वह चाहे इंसान होवे चाहे जीव जंतु होण, हर एक की मदद सानूं जरूर करनी चाहिए है, जिहड़ा कि मुसीबत दे विच होवे, यही गुरु महाराज ने सानूं सिखाया। सो
उम्मीद यही करते हैं कि बाकी के जो लोग ने वो भी मोटिवेट हुए होंगे। तो एक बार अखीर के क्वींस अवार्ड वास्ते जो थोनू नॉमीनेट किया गया वो एक बार फिर तो बधाई जी। हाँ जी, थोड़ा भी बधाई हो नाले थोड़ा भी धन्यवाद तुम आके साडा निमाणिया का इंटरव्यू लिया। तो बाकी संगत अगे अरदास करो कि आने वाले समय से भी सतगुरु सच्चे पातशाह इसे तरह सिर ते हाथ रख के साडे कोलों सेवा लेंदे रहन जी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह।